दूसरा इशू जो आप लोगों को पता है, पीएचई इंप्लॉइज का इशू। मांग तो मांग क्या रही है वो लोग कि उनकी रेगुलराइजेशन की जाए, उनकी भी रेगुलराइजेशन की जाए ताकि उनको भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके हकूक को भी जिंदा रखा जाए। लेकिन इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो हालात हमारे पीएचई एम्प्लॉइज के साथ किए, वो शायद ही आपको पता होगा पब्लिक एट लार्ज, उसको कवरेज भी काफी कम मिली है। एक दो चैनल मैंने देखा है कि उसको भी कवरेज कम मिली है। अगर मिली, मेरे नोटिस में यही है कि उसको कवरेज कम मिली है। लेकिन वो पिछले कितने महीनों से, सालों से अपना इस चीज को सड़क सड़क पे हाईलाइट करते आए। आप मुझे बताइए, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में क्या हमें कोई पीस को प्रोटेस्ट करने का भी कोई राइट नहीं? चलो मैं एक चीज बात मानता हूं कि आप लोग बोलते हो कि आप कानून को अपने हाथ में लोगे, आप इसी प्रोटेस्ट को अगर आप इसको ज्यादा ही किसी तरीके से करोगे जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को नुकसान है। चलो मानता हूं आपकी बात। पीएचई एम्प्लॉइज ने कितनी देर तक धरना प्रेस क्लब के पीछे, आपको पता ही होगा जहां पर लगता, कितनी देर तक वो बैठे। एंड में मिला तो मिला क्या? उनकी रेगुलराइजेशन की कौन बात करेगा? उनकी रेगुलराइजेशन होगी तो कब होगी? क्योंकि जब जब वो पीएचई एम्प्लॉइज यहीं पर गए, उन्होंने यही बुखार लगाई हर एक लीडर के पास, गए इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास कि हमारे काम के लिए आप क्या गिफ्ट लाए हैं। डे बाय डे आप दिल्ली से जम्मू आ रहे हैं, लगातार आपके तमाम, कभी होम मिनिस्टर साहब आते हैं तो कभी प्रधानमंत्री साहब खुद आते हैं, तो हमारे लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो इसमें मैं सबसे नलायकी जो समझूंगा वो यहां के लीडर्स की समझूंगा कि जो आपकी बात को अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के आगे नहीं रख पाते या हमारे होम मिनिस्टर साहब के पास नहीं रख पाते। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि उनको मिला, आप उनकी फेस टू फेस बात कराइए। अगर आपकी नीयत इतनी अच्छी है कि आप चाहते ही हो कि हमारे पीएचई एम्प्लॉइज का काम हो, आप उनकी फेस टू फेस बात कराइए, या तो उनकी फेस टू फेस बात कराइए या तो उनके लिए आप पॉलिसी लाइए और उनको रेगुलराइज कीजिए। उनकी एक इतनी जेन्युइन डिमांड है, हम स्ट्रांगली कंडम करता हूं मैं कि ये डिमांड इनकी जल्द से जल्द होनी चाहिए, और अगर नहीं भी होती है तो हम उनके साथ शाना बशाना, जहां वो बोलेंगे मेरे पीएचई एम्प्लॉइज हम उनके साथ। तीसरी बात, एक बड़ा ही मैं आपको बताऊं बर्निंग टॉपिक है, पहाड़ी स्टेटस शेड्यूल। जब हमारे आफ्टर दी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 आर्टिकल 35 है, हमारा जो शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर था अर्लियर इट वॉज 1989, देयर आफ्टर अमेंडमेंट वॉज मेड इन द ईयर 1991 एंड फर्स्ट टाइम टू communities were incorporated in the schedule, that is Gujjar-Pakalwar, Gujjar and Pakalwars. And thereafter, after the abrogation of Article 370 and 35A, what happened? कि 4% का पहाड़ी स्टेटस उनको दिया गया था, लेकिन वो इलेक्ट्रोनल प्रोसेस के लिए नहीं दिया था, लेकिन उनको बाकी चीजों के लिए दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एक बड़ी ही जो डिस्क्रिमिनेशन मैं कहूंगा ऐसी कर दी कि उस पहाड़ी स्टेटस को तोड़ दिया उन्होंने, और उस पहाड़ी स्टेटस को ये अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए। एक ही तख्ते को पुश किया, बाकी तख्तों को भूल गया, चुनाव वैली को बिल्कुल इग्नोर किया गया। उसके लिए मैं स्ट्रांग कंडेम करता हूं कि हम चुनाव इक्वलिटी कहां है? Article 14, among equals, the law should be treated equally. It is specifically enshrined under our Constitution of India. ये बात तो मैं गलत नहीं कह रहा। तो मुझे आप बताइए, at the same time हमारे साथ discrimination नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, आपने जो एक मेरा भाई, चाहे वो रामबन में रहता है, चाहे वो मेरा भाई किश्तवाड़ में रहता है, चाहे गंदोह में रहता है, चाहे वो भद्रवाह में रहता है, चाहे वो पाडर में, पाडर वालों को तो उन्होंने दे दिया, बाकी जगह गंदो में रहता है, क्या वो पहाड़ी स्टेटस में नहीं आते? क्या वो पहाड़ी नहीं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं? मुझे समझ नहीं आई कि आपने अगर डिस्टिंक्शन ड्रॉ की तो कैसे की?
आपने सुंदरबनी में दे दिया अपनी स्टेटस, वो तो प्लेन ही है। हमारा आप चुनाव वैली देखिए, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, तो उनको पहाड़ी नहीं कहेंगे तो किनको पहाड़ी पर हो गया। आपकी वो जो रॉन्ग एक डिस्टिंक्शन आपने ड्रॉ की, वो भी आपको इससे भी आपको पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लोग समझते हैं और लोग इस पे भी आपको आने वाले टाइम में जवाब देंगे। तीसरी बात, वीडीसी एसपीओ, मैं हमेशा आवाज करता आया हूं वीडीसी एसपीओ की, लेकिन मुझे लगता है कि वीडीसी एसपीओ आपको घबराना नहीं है। आप यूनिटी जो है वो भी एक चीज इनको घबराहट पैदा कर रही है। जब जब आप मीटिंग करते हो तब तक भी आपको बुलाते हैं, और जहां तक फ्रॉम सम रिलायबल रिसोर्सेस मैंने सुना, मेरे भाइयों से मैंने सुना कि ये कुछ दिन पहले बीजेपी के दफ्तर में गए थे और उधर इन्होंने अपनी प्ली उनके आगे रखी, और वहां से एक जवाब आता है कि मैं बीजेपी साहब को कॉल करता हूं। देखो इतना बड़े कद का बेटा, बड़े कद का नेता बोला मैं बीजेपी साहब को कॉल करता हूं। अगर एक इंसान जो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, फाइलें जहां से इस टेबल से जो फाइल इधर से इधर जाती है, उनके उनके ग्लांस जब वो कहते हैं वंस ग्लांस, वो जो डालते हैं अपनी नजर, उनके नजर से हटके नहीं जाती है, उसमें आपको डीजीपी साहब को कॉल करना है और डीजीपी आपका कॉल ना उठाए, क्या जबरदस्त लॉलीपॉप मेरे बीडीसी एसपीओ भाइयों को दिया। शाबाशी देता हूं मैं आपको इस चीज की। आपने नहीं काम करना है वो एक अलग बात है। और दूसरी बात, मैं होम बीडीसी एसपीओ को भी कहता हूं कि मैं आप ध्यान से सुनिए, आपने होम डिपार्टमेंट को पार्टी बनाया है डिविजन बेंच में, जो हमारा मैटर पेंडिंग है, आपने डीजीपी साहब को पार्टी बनाया है, आपने इन्हीं की पॉलिसी को चैलेंज किया है, और आप इन्हीं को बोलते हो कि हमारा काम करो। कैसे काम करेंगे ये? थोड़ी अपने आप को भी लीगली अवेयर होइए आप कि जिनको आपने पार्टी बनाया है वो खुद ही वहां पर, वो आपकी क्या, वो आप कोर्ट को बोलेंगे? एक तरीके से आपने उनको कोर्ट में खड़ा किया है, और दूसरे तरीके से आप उन्हीं के पास जा रहे हो, और दूसरे तीसरे तरीके से वो वहीं से फोन करके पूरी आवाज ही सुना। कितना एक मतलब कानून की धज्जियां ये लोग उड़ा रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक चीज और बता देता हूं। आज कई वर्ष में इनको एक ही बात बोलिए कि अगर आपने वाकई हमारा काम करना है, डिवीजन बेंच में जो आपने अपील फाइल की है, 2 मिनट का काम है, फोन करने की भी जरूरत नहीं है, 2 मिनट का काम है, वहां से विड्रॉ एक एप्लीकेशन मूव कीजिए एमपी, वो लगेगी दूसरे दिन, बोल दो कि हम ये अपनी पिटीशन जो है डिवीजन बेंच में जो केस पेंडिंग है वीडीसी एसपीओ के खिलाफ, इसको हम विड्रॉ करते हैं, आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो एक तरीके से वहां पर डीजीपी को हमने पार्टी बनाया है और होम डिपार्टमेंट को हमने वहां पर पार्टी बनाया, और दूसरे तरीके से आप कहते हो मैं इनको कॉल करूंगा। अब मुझे बताइए, धोखा हम लोग कर रहे हैं या धोखा आप लोग कर रहे हैं? तो ये सब जानते हैं मेरे बीबीसी एसपीओ भाई, जहां पर उनको लीगली अनअवेयर है, उनको मैं टाइम टाइम पे अवेयरनेस अपने मीडिया के माध्यम से डालता रहूंगा। ये मेरी एक लीगल ड्यूटी है, और मैं सोचता हूं एज एन एडवोकेट, ये हर एक एडवोकेट की भी ड्यूटी बनती है कि हमारे बीबीसी एसपीओ को टाइम टाइम को जहां जहां ये जाते हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी आवाज उठाएं। और साथ ही साथ, क्योंकि अगर हमारी ड्यूटी क्या है टू वर्ड सोसाइटी, पीपल के कॉज को हमने आगे लेकर जाना है,